स्वच्छता ही सेवा अभियान का हुआ आगाज। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान का आगाज हुआ। देश में हर गली, हर मोहल्ला, हर घर स्वच्छ हो, कहीं गंदगी न फैले, इसी सोच के साथ आज शहर में भी प्राइवेट बस स्टैंड लव गार्डन के पास इस अभियान का शुभारंभ हुआ। ये अभियान आज से 2 अक्टूबर यानी 1 पखवाड़े तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से विगत 10 वर्षों से संपूर्ण देश में स्वच्छता का अभियान निरंतर जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए उनके जन्मदिन पर आज जिला कलेक्टर नमित मेहता, नगर निगम महापौर राकेश पाठक, विधायक अशोक कोठारी के नेतृत्व में नगरीय निकाय के अधिकारियों व सफाई कर्मियों की मौजूदगी में सफाई करके लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। वह कहा कि इस अभियान में जिले की शिक्षण संस्थान, सामाजिक संगठन व अन्य विभाग भी आगे आएं व बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस दौरान शहर के कई जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सामाजिक संगठन से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा से ब्यूरो चीफ लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। आज जैसा आपको ध्यान है 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक स्वच्छता की सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज श्रमदान से हुई, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, हमारे आमजन सभी लोग शामिल थे। और अब कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते मेयर साहब के सानिध्य में इस प्रकार के स्वच्छता ड्राइव चलते रहे। और भीलवाड़ा शहर जो एक बड़ी वस्त्र नगरी है, बड़ा शहर है, वो उसके जो सफाई के मापदंड हैं वो न केवल राज्य में बल्कि देश में भी अच्छे हो सके, आगे आ सके, उसके हिसाब से कार्य योजना बना के सफाई की तरफ कार्य का निवास है और कण कण में भगवान है, तो हर जगह सफाई होगी। हर जगह हम कण कण में अगर भगवान का एहसास करना चाहते हैं तो वो बिना स्वच्छता के असंभव है। और स्वच्छता एक अभियान के रूप में हमारे जिलाधीश महोदय, विधायक महोदय, हमारे सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमने निश्चय किया कि आने वाले 1 वर्ष में स्वच्छता के एक अभियान के रूप में लेंगे। आज सभी अधिकारी, सभी लोगों ने एक साथ सांकेतिक रूप से ये कार्य शुरू किया है। जैसा हमारे जिलाधीश महोदय, विधायक महोदय ने कहा कि अगले सप्ताह हर प्रति सप्ताह में 2 घंटे कम से कम एक साथ शहरवासियों के साथ संवाद करेंगे। सफाई को एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम सब मिलकर सामूहिक रूप से विचार और प्रयास करेंगे।